हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान श्री एजुकेशन ट्यूटोरियल। माई सेल्फ हिमानी दीक्षित। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट। अब सब इनऑर्गेनिक स्टडी करेंगे और एस ब्लॉक एलिमेंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। सो वी हैव 9 प्रॉपर्टीज हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सेकंड इज एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, मेटलिक नेचर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, फ्लेम कलरेशन, हाइड्रेशन ऑफ आयंस, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, दैट इज जब जो मेटल है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने बाद उसकी जो ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, इसका नेचर क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में जो स्टडी करते हैं, जो एक्सट्रीम लेफ्ट में जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स कलेक्टिव स्टडी है किस किस ग्रुप की, ग्रुप 1 एंड 2। हियर वी हैव 2 ग्रुप्स, दैट इज फर्स्ट वन इज ग्रुप 1 एंड सेकंड वी हैव इज ग्रुप 2। फर्स्ट ग्रुप को हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स और सेकंड ग्रुप को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हम इसको अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं, जब जो हमने देखा जो इसकी हाइड्रोक्साइड होती है ना, दैट इज MOH। मेटल हाइड्रोक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है और ये हाईली बेसिक होते हैं। तो बेसिक का वर्ड जहाँ पे भी हमारे पास बेसिक वर्ड यूज होता है, तो वहां पे हम उसको क्या बोल सकते हैं, अल्कली बोल सकते हैं। ऑलराइट, तो इसलिए हम बोलते हैं उसको अल्कली मेटल्स। और सेकंड वी हैव द ग्रुप 2 इन विच दीज आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे पास इसकी ऑक्साइड होती है ना, वो हमें अर्थ क्रस्ट में मिलती है, इसलिए हम इस ग्रुप को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। For S block element, we can write it as NS2, NS1 या 2। अब ग्रुप 1 के लिए हमें पता है, दैट इज फ्रॉम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड हेवियस सीजियम। ऑलराइट, और यहाँ पे ग्रुप 2 में हमारे पास कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, हेयर वी हैव बेरियम। और जो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में आएगा, एस ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, हेयर वी हैव 6s1। और यहाँ पे क्या है, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, यहाँ पे 6s2। तो हमने देखा जो हमारे पास लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, वो कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है, एस ऑर्बिटल में। और यहाँ पे क्या बन रहा है, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होने बाद, जैसे भी हम लिथियम से बेरिलियम पे जाते हैं, तो हमारे पास क्या, देयर इज एन एडिशन ऑफ 1 मोर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे क्या एटॉमिक नंबर क्या बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2 एंड 6s2। अब हम बात करते हैं इसकी एटॉमिक साइज के बारे में। सेकेंड प्रॉपर्टी वी हैव एटॉमिक साइज। हमें पता है डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। क्यों, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। साइज इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास देयर इज एन एडिशन ऑफ 1 मोर शेल, देयर इज एन एडिशन ऑफ 1 मोर शेल। अब हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सेकेंड पीरियड में, अगर हम थर्ड पीरियड में स्विच करते हैं, तो क्या हमारे पास रहेगा, 3 शेल हो जाएंगे, 1, 2 एंड 3। तो हमने देखा कि अगर एक शेल इंक्रीज हो रहा है, दैट इज डाउन द ग्रुप, तो हमारे पास क्या है, जो डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब हम इसमें बात करते हैं, दैट इज फॉर ग्रुप 1, फॉर ग्रुप 1 डाउन द ग्रुप क्या करेगा, साइज इंक्रीज करेगा, ग्रुप साइज इंक्रीजेस। तो हम ट्रेंड क्या बोल सकते हैं, लिथियम का स्मॉलेस्ट साइज है, देन फॉर सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड फॉर सीजियम। ऑलराइट, सिमिलरली फॉर ग्रुप 2 ऑल्सो, ग्रुप 2 में फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा आता है हमारे पास, बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्शियम और फिर आता है हमारे पास
बेरियम। अब हम देखते कि ग्रुप वन और ग्रुप टू में से किसका साइज ज्यादा बड़ा है। कंपैरिजन ऑफ साइज बिटवीन ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। हमें पता है जब भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो क्या करता है हमारे पास जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस जिसकी वजह से क्या होगा जो हमारा साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। साइज डिक्रीजेस बिकॉज अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं ना। जैसे ही प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और जो प्रोटॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा बाउंड करके रखेंगे तो एज ए कॉन्सिक्वेंस क्या होगा साइज डिक्रीजेस ऑल राइट अलोंग अ पीरियड। तो हमें हम यहाँ से क्या कह सकते हैं जो हमारे ग्रुप वन एलिमेंट दैट इज अल्कली मेटल्स का साइज है वो किससे ज्यादा बड़ा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। देयरफॉर साइज ऑफ अल्कली मेटल्स किससे बड़ा है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स से। अगर हम अलोंग द पीरियड बात करते हैं ना तो अल्कली मेटल्स का साइज सबसे ज्यादा होता है एक्सेप्ट फॉर नोबल गैसेस। बट हम ये ट्रेंड जब देखते हैं ना कि नोबल गैसेस का साइज बढ़ेगी सर्कुलर मेटल से वो सिर्फ थर्ड पीरियड तक होता है दैट इज फ्रॉम सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड एंड फोर्थ पीरियड। सेकेंड पीरियड में हमारे पास क्या है लिथियम है थर्ड पीरियड में सोडियम है और फोर्थ पीरियड में क्या है पोटेशियम है। हम देखते हैं कि लास्ट तक नोबल गैसेस यहाँ पे आते हैं कि नोबल गैसेस का साइज किससे बड़ा है लिथियम से पर जैसे ही हम फोर्थ पीरियड में एंटर करते हैं ना तो हमारे पास पोटेशियम का साइज इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कि वो नोबल गैसेस से भी उसका साइज बड़ा हो जाता है। तो मतलब फोर्थ फिफ्थ और सिक्स पीरियड के जो एलिमेंट्स है दैट इज अल्कली मेटल्स है उनका साइज नोबल गैसेस से भी ज्यादा बड़ा है। और अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। Here we have ionization energy. अब ionization energy होती क्या है इट इज an amount of energy required to remove out the outermost electron from an isolated gaseous atom. जैसे कि फर्स्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है टू इलेक्ट्रॉन है सेकेंड में क्या है एट है। यहाँ पे अगर वन एक इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी और ये एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं पोटेंशियल की फॉर्म में सो वी कैन राइट इट एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये हमेशा याद रखना जब भी हम आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करेंगे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना वो आइसोलेटेड गैसेस एटम से निकलेगा मतलब आइसोलेटेड का मतलब ये है कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा मतलब कोई और सर्कमस्टांसेस में वो इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अब हम आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करते हैं फॉर ग्रुप वन एलिमेंट्स एंड ग्रुप टू एलिमेंट्स। मतलब हमें पता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है एन एस वन और एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से निकल रहा है उसके बाद ही क्या कंफिग्रेशन अटेन करेगा स्टेबल नोबल गैस कंफिग्रेशन अटेन करेगा। और यहाँ से जब एक ग्रुप टू एलिमेंट्स में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एनएस टू से वो किस पे स्विच कर जाएगा एनएस वन पे स्विच कर जाएगा। इट मीन्स क्या है जो आयनाइजेशन एनर्जी है ग्रुप टू के लिए और एक वो किसके लिए ज्यादा है ग्रुप टू एलिमेंट्स के लिए ज्यादा है बिकॉज यहाँ पे क्या है एनएस टू कॉन्फिग्रेशन है जो क्या है फुलफिल कॉन्फिगरेशन है और यहाँ पे एनएस वन क्या है हाफ फिल कॉन्फिगरेशन है। तो फुलफिल कॉन्फिगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए ज्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू हाफ फिल कॉन्फिगरेशन। उसके बाद अगर हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रुप वन एलिमेंट्स के लिए दैट इज फॉर अल्कली मेटल्स के लिए ज्यादा एज कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। बिकॉज हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उसने पहले से ही नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेन कर रखा है
बट अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो यहाँ पे क्या हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उसके बाद क्या करेगा, ये स्टेबल गैस स्टेबल नोबल गैस कंफिगरेशन को अटेन कर लेगा। तो ये है ट्रेंड हमारा आयनेशन एनर्जी का। अब हम बात करते हैं मेटलिक नेचर। हमें पता है जो एटॉमिक एलिमेंट्स है वो पहले से क्या है, मेटल्स होते हैं और उनका बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी है मेटलिक नेचर। मेटलिक नेचर हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किससे, आयनाइजेशन एनर्जी से। मेटलिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। और हमें पता है डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस एंड आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। तो अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करेंगे तो मेटलिक नेचर हमारा इंक्रीज होएगा। सिमिलरली फॉर ग्रुप वन एंड फॉर ग्रुप टू। अब हम दोनों में बात करेंगे कि ग्रुप वन ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है या ग्रुप टू ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। मेटलिक नेचर को हम उस टर्म्स में बोल सकते हैं कि कितनी इजीली वो अपने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसका, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर बोलते हैं। फॉर अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसमें क्या बोलते हैं हम, जो मेटलिक नेचर होते हैं ना वो अल्कली मेटल्स का ज्यादा होता है कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बिकॉज अगर हम ग्रुप वन से ग्रुप टू में जा रहे हैं, एक तो हमारा साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज कम हो रहा है, और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, दैट इज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा ज्यादा अच्छी तरह बाउंड करके रखेगा। तो हमारा क्या होगा, हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी है ज्यादा लगेगी। जितनी हमारी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी उतना ही हमारा मेटलिक करेक्टर कम होगा, दैट इज मोर द आयनाइजेशन एनर्जी लेसर बी द मेटलिक करेक्टर। तो हम यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं जो ग्रुप वन के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, उनका मेटलिक नेचर ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में। वी हैव नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर। Here we have for alkali metals and then for alkaline earth metals. जितने भी एलिमेंट्स हैं जो अल्कली मेटल्स में आते हैं वो कौन सा स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई करते हैं, बीसीसी, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। बॉडी सेंटर अरेंजमेंट फॉलो करते हैं। और एक्सेप्ट लिथियम, जो लिथियम है वो लो टेम्परेचर में कौन सा स्ट्रक्चर अटेन करेगा, दैट इज एचसीसी। एट लो टेम्परेचर इट विल अक्वायर एचसीपी अरेंजमेंट, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। बट अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ये अलग ट्रेंड फॉलो करेंगे फॉर कैल्शियम एंड स्ट्रॉन्शियम और ये बेरियम। ऑलराइट, बेरियम हमारे पास क्या ऑक्यूपाई करेगा, बॉडी सेंटर्ड जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो एचसीपी अरेंजमेंट को फॉलो करेंगे, कैल्शियम एंड स्ट्रॉन्शियम विल ऑक्यूपाई द फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, और जो हमारे पास बेरियम है वो बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट में क्लोज पैक होगा। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो एचसीपी अरेंजमेंट होता है ना उसमें बहुत अच्छी क्लोज पैकिंग होती है एज कम्पेयर टू बीसीसी। तो एचसीपी और एचसीसी का ऑलमोस्ट इक्वल क्लोज पैकिंग होती है। तो मतलब इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जितनी ज्यादा
क्लोज पैकिंग होगी उतनी ही अच्छी तरह हमारे पास के जो एलिमेंट्स है वो टाइटली पैक्ड है, जिसकी वजह से क्या होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पे इफेक्ट करेगा। ऑलराइट, तो ग्रुप वन एंड फोर, ग्रुप टू। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या हमारे पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉफ्ट एंड डक्टाइल। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, हार्ड एंड ब्रिटल। यहाँ पे क्या है, दे आर लो डेंसिटी एंड हियर वी हैव हाई डेंसिटी। अब हमने देखा कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या क्या इन्फ्लुएंस डाल रहा है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पे। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अलोंग द ग्रुप्स। बहुत रेगुलर ट्रेंड है, दैट इज फॉर अल्कली मेटल्स हमारे पास क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर क्या होगा, फॉर लिथियम इट इज फॉर मैक्सिमम, देन फॉर सोडियम, देन फॉर पोटेशियम। और बॉइलिंग पॉइंट का भी सेम ऑर्डर है, लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, बट इट इज डिफरेंट फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में ये ट्रेंड रेगुलर नहीं होता। अब जैसे कि हमने देखा है कि हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है ना फॉर ग्रुप टू एलिमेंट्स, वो बिल्कुल ही अलग है, वो इरेगुलर ट्रेंड फॉलो कर रहा है। मतलब बेरिलियम के बाद क्या आना चाहिए हमारे पास, मैग्नीशियम आना चाहिए, बट हमने देखा कि मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में मैग्नीशियम का लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, दैट इज फर्स्ट वी हैव फॉर बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, और बेरियम के बाद ही मैग्नीशियम आ रहा है। बट हमारे पास क्या होना चाहिए था, इसकी तरह फॉलो करना चाहिए कि मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, देन फॉर कैल्शियम। दिस इज टोटली रॉन्ग। और ऐसे ही हमने क्या देखा बॉइलिंग पॉइंट में, मेल्टिंग पॉइंट में चलो ठीक है कि मैग्नीशियम बिल्कुल लास्ट में चला गया, बट बॉइलिंग पॉइंट में तो बिल्कुल ट्रेंड ही बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। क्यों, सबसे ज्यादा किसका है, बेरिलियम का, देन इट इज फॉर बेरियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्शियम, और लीस्ट क्या है, मैग्नीशियम का। अब हमने देखा कि मैग्नीशियम में ऐसा क्या हो रहा है, हम इसको सिर्फ थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मतलब जब हम ये क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं ना तो उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है, डिफेक्ट मतलब एरे आ जाता है उसमें। सो देयरफॉर ड्यू टू डिफरेंस इन द एटॉमिक साइज डिफेक्ट क्रिएट्स, मतलब जो इनके एटॉमिक साइज में जो डिफरेंस की वजह से हमारे पास ये डिफेक्ट क्रिएट हो रहे हैं। अब हम इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं जो है फ्लेम कलरेशन। ऑलराइट, अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लेम कलरेशन। फ्लेम कलरेशन में क्या है, इट इज अ टेस्ट टू डिटेक्ट द एलिमेंट्स। मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई एलिमेंट्स इनको हीट करते हैं, मतलब फ्लेम के ऊपर लेके जाते हैं, तो ये क्या करेंगे, कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक कलर देंगे। जैसे हम बात करते हैं, हियर वी हैव इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स, यहाँ पे क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, और जो इलेक्ट्रॉन कौन सा एक साइड होगा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, और भी कैसे दाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज लूजली बाउंड इन द वैलेंस शेल। अब जैसे ही हमने यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड की, दैट इज ऑन फ्लेम, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेगा। एक्वायर करने के बाद क्या जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन हायर इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे ट्रांसफर हो जाएगा, और भी कैसे, इट गेट एक्साइटेड टू द नेक्स्ट हायर इलेक्ट्रॉनिक लेवल। सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में है, इन इट्स एक्साइटेड स्टेट। और हमें पता है एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, तो ये क्या करेगा, वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा। जब ये हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट पे आएगा, तो इट मीन्स क्या, देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी लॉस होगी ना, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू
एल सी अपॉन लैम्डा। तो मतलब क्या है, एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लैम्डा के प्रोपोर्शनल है। लैम्डा क्या है, हमारी क्या है, वेवलेंथ है। जो वेवलेंथ रिलीज होगी ना, वो हमारे पास किस कौन सी रीजन में आ जाएगी, विजिबल रीजन में आ जाएगी। तभी तो हम देख सकते हैं कि कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक कलर देगा, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं एलिमेंट्स की, हमारे पास कौन सा एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो कोई ना कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज आउट हो जाएगी, और एनर्जी जो रिलीज आउट हो रही है तो वो क्या करेगा, कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक कलर इम्पार्ट करेगा। तो हम एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जो फॉर द ग्रुप वन एलिमेंट दैट इज फॉर अल्कली मेटल्स, लिथियम कौन सा कलर शो करेगा, क्रिम्सन रेड, सोडियम गोल्डन येलो, पोटेशियम वायलेट, रुबीडियम रूबी कलर, और वी कैन से इट इज रेड वायलेट, और सीजियम हमारे पास कौन सा कलर इम्पार्ट करेगा, ब्लू कलर इम्पार्ट करेगा। बट हम ग्रुप टू के एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या है, जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है ना, वो कोई कलर इम्पार्ट नहीं करेंगे। क्यों, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। पहली बात है, मैग्नीशियम और बेरिलियम का साइज बहुत छोटा है, साइज छोटा होने के कारण जो जेड इफेक्टिव है उनमें बहुत ज्यादा है। और ये क्या है, मतलब जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है इसमें ज्यादा होगी, मतलब जो हमें फ्लेम से जो एनर्जी है वो उसके लिए इतनी इफेक्टिव नहीं है कि वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव आउट कर सके। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फ्लेम टेस्ट में बेरिलियम और मैग्नीशियम कोई कलर नहीं देगा। नेक्स्ट वी हैव फॉर कैल्शियम, कैल्शियम कौन सा कलर इम्पार्ट करेगा, ब्रिक रेड कलर इम्पार्ट करेगा, स्ट्रॉन्शियम डार्क रेड, और जो हमारे पास बेरियम है वो एप्पल ग्रीन कलर इम्पार्ट करेगा। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज हाइड्रेशन ऑफ आयंस। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, दैट इज हाइड्रेशन ऑफ आयंस एंड कंसेप्ट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। जब भी हम मेटल को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वहां पे क्या होगा, जो मेटल है ना उसको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर देंगे, तो उसमें क्या बनेगा, एक स्फीयर बन जाएगा, एंड दिस स्फीयर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जब इस स्फीयर बनता है तो हमारे पे इसके एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज आउट होती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी which gets evolved out during the hydration of ions. Hydration का मतलब क्या है, जो water molecules है उस metal को क्या कर रहे हैं, वो surround कर रहे हैं। और जो hydration energy है ना वो उतनी ही ज्यादा होगी जितना हमारे पास चार्ज होगा, all right, और inversely proportional होगी size के। Therefore the hydration energy is directly proportional to the charge upon size ratio. तो जैसे कि हम बात करते हैं group 1 के elements में, for lithium, sodium, पोटेशियम, हम अगर तीन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास सबसे स्मॉल साइज किसका है, लिथियम का, फिर उससे बड़ा क्या होगा, सोडियम का, फिर देन फॉर पोटेशियम। जितना ज्यादा स्मॉल साइज होगा उतना ही ज्यादा क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स उस पर अटैक करेंगे। अटैक करने का मतलब कि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्रिएट करेंगे। तो हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी भी किसकी ज्यादा होगी, फर्स्ट फॉर लिथियम, देन फॉर सोडियम, देन फॉर पोटेशियम। और अगर हम ग्रुप टू के एलिमेंट्स की बात करते हैं, इट विल बी मैक्सिमम फॉर बेरिलियम, देन फॉर मैग्नीशियम, देन फॉर कैल्शियम। अब हम देखते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर में अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं लिथियम की, तो यहां पे क्या है, 2s ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल है। लिथियम में क्या है, 2s1 है ना, इसके आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिथियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल खाली होंगे, चार ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp3। तो हम यहां से हम बोल सकते हैं कि जो लिथियम है ना उसके अराउंड 4 वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड होंगे। बस अगर हम हायर एलिमेंट्स की बात करते हैं, दैट इज फॉर सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम की बात करें, पोटेशियम की बात करें, तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, 3s, 3p, यहां पे हमारे पास कितना है, 3d होल। तो मतलब 2p में, 2 सेक्शन में हमारे पास क्या है, मतलब 2 में क्या हमारे पास s और p है। बट हम 3 की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, 3s भी होता है, 3p भी होता है, और 3d भी होता है। मतलब क्या है, हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स है, मोर द नंबर ऑफ
वैकेंट ऑर्बिटल्स, मोर द वाटर मॉलिक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई दीज वैकेंट ऑर्बिटल्स, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, sp3d2, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो हम डाउन द ग्रुप जैसे हम बात करते हैं, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो इंक्रीज होता है, दैट इज फ्रॉम 4 to 6, दैट इज डाउन द ग्रुप कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस फ्रॉम 4 to 6। और सिमिलर ट्रेंड हमारे पास ग्रुप 2 एलिमेंट्स के लिए भी फॉलो होता है, दैट इज मैग्नीशियम के लिए कितना होगा, फॉर मैग्नीशियम एंड बेरिलियम कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 एंड फॉर हायर एलिमेंट्स इट विल बी 6। अब हम देखते हैं कि मैग्नीशियम, जैसे मैग्नीशियम हो गया, लिथियम हो गया, तो इनका साइज तो बहुत छोटा है, मैग्नीशियम हो गया या बेरिलियम हो गया, इनका साइज छोटा है और चार्ज ज्यादा है, तो मतलब क्या है, एक तो इसने प्राइमरी हाइड्रेशन स्फीयर पहले से ही बना लिया, बट एक्स्ट्रा चार्ज होने के कारण तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना वो एक और लेयर बना लेते हैं, दैट इज दिस लेयर इज कॉल्ड प्राइमरी हाइड्रेशन लेयर, लेयर और वी कैन से स्फीयर, और जो दूसरी लेयर बनेगी उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइड्रेशन स्फीयर। सिमिलरली मैग्नीशियम के लिए भी ऐसा होगा और बेरिलियम के लिए भी ऐसा होगा। तो जब हम बात करते हैं साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस, तो लिथियम के लिए मैक्सिमम, देन फॉर सोडियम एंड इट विल बी लीस्ट फॉर सीजियम आयन। जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा हाइड्रेटेड स्फीयर का, साइज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सीजियम फॉर हाइड्रेटेड स्फीयर। उतनी उसकी मोबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। मोबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस, वो जितना ही ज्यादा हैवी होगा तो इट मींस क्या, उसकी मोबिलिटी डिक्रीज हो रही है। और सेम ट्रेंड हम किसमें बोल सकते हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के लिए भी बोल सकते हैं, दैट इज बेरिलियम +2 का हाइड्रेटेड स्फीयर बहुत ज्यादा होगा, देन फॉर मैग्नीशियम एंड इट विल रिलीज फॉर बेरियम। ऑलराइट, अब हम इसकी बात करते हैं कि जब ये एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होगी, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन, हमारे पास क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड्स बनाएगा। और इन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या होगा, अब हम उसके डिस्कस करते हैं कि इसका नेचर कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद लिथियम, लिथियम प्लस हाफ O2, तो हमारे पास क्या बनेगा, Li2O। बट जब हम सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास इसकी परऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, Na2 gives Na2O2। और हम पोटेशियम और हायर एलिमेंट्स की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, दैट इज Ke2। हियर वी हैव लिथियम ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड एंड पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अब हम बात करते हैं कि ये जो सारे एलिमेंट्स है वो सेम ग्रुप के हैं, बट हमारे पास जो ऑक्साइड्स का नेचर है वो डिफरेंट क्यों, मतलब फर्स्ट लिथियम क्या बना रहा है, नॉर्मल ऑक्साइड बना रहा है, सोडियम क्या बना रहा है, परऑक्साइड बना रहा है, और जो पोटेशियम है वो सुपर ऑक्साइड बना रहा है। तो इसका डिफरेंस इसीलिए आ रहा है क्योंकि इन तीनों के साइज में डिफरेंस है, मतलब जो हमारे पास स्मॉल एनायन, स्मॉल कैटायन एंड स्मॉल एनायन,
कैन इंटरेक्ट बेटर. अब लिथियम क्या है हमारे पास, स्मॉल साइज है, लिथियम पॉजिटिव. यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, माइनस टू, तो यहाँ पे एल आई पॉजिटिव, मतलब दो एल आई स्टेबलाइज करे ऑक्साइड आयन को, इसलिए हमारे पास लिथियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है. बट अगर हम सोडियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बना रहे हैं, सोडियम परऑक्साइड बना रहे हैं. परऑक्साइड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, O, सिंगल बॉन्ड O, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा, दो सोडियम स्टेबलाइज करेंगे. देयरफॉर वी हैव Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, तो तभी तो हमारे पास बना ना ये Na2O2. जब हम पोटेशियम की बात करते हैं तो पोटेशियम का साइज सबसे बड़ा है इसमें बिटवीन द फ्रॉम द लिथियम एंड सोडियम. तो क्या करेगा, जो जो लार्जर कैटायन है वो किसको स्टेबलाइज करेगा, लार्जर कैटायन को स्टेबलाइज करेगा. लार्जर कैटायन स्टेबलाइजेस, लार्जर कैटायन तो यहां पे क्या है, सुपर ऑक्साइड है. सुपर ऑक्साइड का क्या होता है, O2 नेगेटिव. जब ये पोटेशियम इसको इलेक्ट्रॉन देने के बाद O2 नेगेटिव की फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, पोटेशियम का साइज और ये O2 नेगेटिव का साइज क्या ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, तो ज्यादा अच्छी तरह बॉन्डिंग होगी. देयरफॉर हियर वी गेट द पोटेशियम सुपर ऑक्साइड. ऑलराइट, अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद हैलाइड्स. और सिमिलर जैसे कि हमने बात करी है ग्रुप टू ग्रुप वन के लिए, तो सिमिलरली ग्रुप टू के लिए उसमें क्या होगा, इतना कुछ ज्यादा वो नहीं होगा कि हमारे पास सुपर ऑक्साइड बनेगी या परऑक्साइड बनेगी, नॉर्मल ऑक्साइड बनेगी. दैट इज फॉर ग्रुप टू अल्कलाइन एटमेटल्स, ग्रुप टू के अल्कलाइन एटमेटल्स में क्या होगा, Mg+ O2 gives MgO, कैल्शियम प्लस O2 gives कैल्शियम ऑक्साइड. तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, बेसिक नॉर्मल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी. ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कि इनके मेल्टिंग पॉइंट के बीच में Mg+2 O2 नेगेटिव, दोनों क्या है, स्मॉल साइज है. स्मॉल साइज का मतलब होने के कारण क्या हो जाएगी, दोनों के ये क्या होंगे, क्लोजली पैक होंगे, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा. सो डाउन द ग्रुप द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स डिक्रीजेस. अब हम बात करते हैं द लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्शन विद हैलाइड्स. फॉर ग्रुप वन लिथियम प्लस F2 गिव्स LiF. अब हम क्या करते हैं कि लिथियम को तो कॉमन रख देते हैं, दैट इज वी हैव अ कॉमन कैटायन एंड वी विल चेंज द एनायन, दैट इज LiF, LiCl, LiBr, LiI. जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना तो ये LiF क्या है, आयोनिक है. क्यों, दोनों का सेम साइज है और दोनों का चार्ज ज्यादा है. बट LiI क्या है, कोवेलेंट है. अब ये कोवेलेंट क्यों है, क्यों I नेगेटिव का साइज तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है और LiI पॉजिटिव का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है. तो LiI पॉजिटिव क्या है, एक इसकी एक स्ट्रॉन्ग पोलराइजेबल पावर है, मतलब वो इस चीज को पोलराइज कर देती है. पोलराइज का मतलब क्या होता है, डिस्टॉर्ट कर देती है. और I नेगेटिव का साइज क्या, बहुत ज्यादा है. अगर ये हमारे पास I नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ये LiI पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. इट मीन्स क्या, इट विल क्रिएट अ डिस्टॉर्शन, जिसकी वजह से क्या होगा कि कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब लार्जर द साइज ऑफ द एनायन मोर विल बी द मोर इट विल बी पोलराइजेबल, मतलब I नेगेटिव क्या है, ज्यादा इजीली पोलराइज हो सकता है. और LiI पॉजिटिव की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप.